Hello friends, welcome you all to new video of English Pedagogy. The very first question is, verbal test can assess the ability of. Verbal test माध्यम रे अमे कौन assess करी पारू, को प्रकार ability को अमे मूल्यांकन करी पारू. Options are listening, speaking, writing, listening and speaking. A verbal test द्वारा आमर केवल जो लिसनिंग एबिलिटीटा चेक हुए से नुहे ऑलरेडी आमर स्पीकिंग एबिलिटी भी चेक हुए तो ऑप्शन लिसनिंग एंड स्पीकिंग टा राइट हबो जेतु सेटा एट ए टाइम देछि कोडी ऑप्शन डी रे देछि लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी गोटे एक्टिविटी दिया हेछि Find a single prefix for the given letter to make meaningful words. What a single prefix ame bachiba jota ki verb sabu diya hai ji ta purbure amaku prefix logeba padibo. Okay, tapare question ko aichi the activity in the above box can be practiced for developing skill in. Te jo prefix loge ki word nua word tiyari kariba e jo practice ta को स्किल को डेवलप कराए अब देख प्रीफिक्स कौन लगे सी ई आर एन अच्छी सर्न अच्छी वी आर टी वर्ट अच्छी फर अच्छी तो ये आम प्रीफिक्सटा निश्चित भाव में कौन लगे कंसर्न कन्वर्ट कन्फर कंडेन्स कन्विक्ट कनसीड यहाँ हम कन रे हम तो ये जो ऊपर वर्णित जो स्किलटा दि जाए तो यहाँ वोकैबुलरी स्किल हम ऑप्शन देखिए कौन देखा ग्रामर अच्छी वोकैबुलरी अच्छी वर्ड ऑर्डर अच्छी यूज ऑफ कंपाउंड वर्ड अच्छी ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन वोकैबुलरी इट इज ए वोकैबुलरी स्किल कहा जाए दिस स्किल इज नोन एज वोकैबुलरी स्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएशन इंडिकेट्स लर्नर्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन इवैल्यूएशन जो प्रक्रिया अच्छी मूल्यांकन प्रक्रियाटा लर्नर र कौन टे बताए को एबिलिटी को बताए कौन गेन टा को बताई था करिकुलर सब्जेक्ट्स एबिलिटी को करिकुलर सब्जेक्ट्स बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स. अब इवैल्यूएशन इज ओनली फॉर द करिकुलर सब्जेक्ट्स जोटा सिलेबस रे दिया जाय था तारी पर हुए ऑप्शन ए हबो राइट ऑप्शन करिकुलर सब्जेक्ट हबो राइट ऑप्शन हबो. रीडिंग फॉर comprehension can be best achieved in learners dash reading for comprehension can be best achieved in learners which type of ability ap reading karuchu ame kahe ki comprehension pai bujhiba pai jo ta ame padhu ko avastha re ko samay re great ame fayda ti paiba speaks word softly while reading padhida samay re word gula ko softly uchcharan kale speak kale रीड साइलेंटली साइलेंट पढ़ले रन फिंगर्स और पेंसिल्स अंडर द लाइन लाइन जो लाइन टा अच्छी सेंटेंस अच्छी ता तले अंगूठी की पेंसिल चलेले रीड द टेक्स्ट लाउडली टेक्स्ट को लाउडली पढ़ले तो ये कंप्रिहेंशन करिवा पाई अमर साइलेंट रीडिंग ही आवश्यक अच्छी ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन साइलेंट रीडिंग और रीड साइलेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन Sonam often makes mistake in subject verb agreement. How could this problem be solved? Sonam gote pila je ki mistake commit kare subject verb agreement theory koriware to tahara ei mistake ta kemiti eradicate hei paribo. Explaining rules of grammar grammar ro rules ko explain kare nai hobo nahi. Asking to memorize rules of grammar रूल्स ऑफ ग्रामर को मेमोराइज कले केबे हबो नाही मुखस्थ कले केबे हबो नाही आस्किंग टू राइट द रूल्स इन द नोट नोट गुडा को रूल्स नोट रे रूल्स गुडा को लेखिले भी एटा हबो नाही. लॉट ऑफ कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिस यस प्रैक्टिस कले ही एटा सॉल्व हबो जे कोनोसी प्रॉब्लम लॉट ऑफ कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिस इन द क्लास क्लासरूम रे जति को से प्रैक्टिस करिवो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उपरे तारो से प्रॉब्लम टा सॉल्व हबो. Next question, which is different from the other three? It is four option re kouta alaga achi au next tinta saman achanti assignments examinations test
इवैल्यूएशन। अब देखो एथिरे सेपरेटटा होची इवैल्यूएशन, व्हाई असाइनमेंट्स एग्जामिनेशन एंड टेस्ट आर फॉर लर्नर्स एंड इवैल्यूएशन वर्क इज डन बाय टीचर। टीचर मा द्वारा इवैल्यूएशन हुए और ये तीनोटी का द्वारा हुए लर्नर्स मानक द्वारा हुए। राइट ऑप्शन इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर इज डन बाय। होलिस्टिक इवैल्यूएशन माने बहुत बड़ा आकार रे कोई परिवा, ग्रेट आकार रे कोई परिवा इवैल्यूएशन टा लर्नर मानक क्षेत्र रे केमिति करा जीवा उचित। टर्म इवैल्यूएशन, यूनिट इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सेशन एंड इवैल्यूएशन। अब होलिस्टिक इवैल्यूएशन टा सेति की बड़े हबो जेते बड़े लर्नर्स किछि बुझी थिबो से आंसर लिखी पड़ो जोटा हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन द्वारा होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर ताकु हमें अचीव करी परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर कैन बी वेल असेस्ड थ्रू। तो को माध्यम रे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर ताकु पुणि गेन करा जाते हो वेल असेस्ड हो पारे। मंथ एंड इवैल्यूएशन माध्यम रे, यूनिट एंड इवैल्यूएशन माध्यम रे, टर्म एंड इवैल्यूएशन माध्यम रे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माध्यम जोटा पूर्व क्वेश्चन टा को टिके बुले की पचर छी। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर हो पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए which is not a principle of teaching and learning English at elementary level as per National Curriculum Framework 2005. NCF 2005 आधार रे कोटा principle नुहे English teaching at elementary level रे। Building learners familiarity with language in meaningful situation, yes familiarity with language एटा तो अच्छी। Complementing and supplementing teacher inputs, yes teacher inputs को enhance करिबा एटा भी अच्छी। Using existing cognitive and linguistic resource of learning, yes एटा भी अच्छी। Cognitive and linguistic resource of learning को utilize करिबा एटा भी अच्छी। Putting emphasis on learning the rules of grammar, emphasis on learning the rules of grammar यहाँ ऊपर नहीं, option एटा ही correct हब। Okay कहीं ना एम्फासिस ओनली ग्रामर रूल्स ऊपर एम्फासिस देले इंग्लिश टीचिंग एट एलिमेंटरी लेवल रे हबो नाही। तार आहुरी बहुत गुड़ा एस्पेक्ट्स अच्छी LSRW ऊपर भी हमको फोकस करिबा को पड़िबो। ओके तो ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्म्युलेटेड एंड स्टेटेड फ्रॉम। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्म्युलेटेड एंड स्टेटेड फ्रॉम। तो इंस्ट्रक्शन थाए बुक रे थाए जोठी थाए तो स्पेशली बुक रे जहाँ भी थाए सेटा फॉर द लर्नर सेक थाए। तो से जो ऑब्जेक्टिव्स टा को पॉइंट ऑफ व्यू रे हबा दरकार, टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू, करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू, एज स्पेसिफिक। तो ऑप्शन हम लर्नर पॉइंट्स ऑफ व्यू रे सेटा हेले ही बेस्ट हम। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन, लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कौन बताए लर्निंग को प्रकार हबा दरकार। रेस्ट्रिक्टेड टू को स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन जो आसे हम ना के केयरफुल मॉनिटर्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, खाली फ्रीक्वेंट टेस्टिंग रे ही केबे हेबो नाही। थ्रू एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, यस चाइल्ड फ्रेंडली, लर्नर फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर रे एक्टिविटीज हेले ही सेटा हबो। सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग, नो नॉट एक्स्ट्रा कोचिंग नीडेड, चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फियर, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर रे कोनोसी एक्टिविटी हेले पिलार एटा कोन लर्नर रो एक्टिविटीज हो कि तार एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज हो पार। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The learners fail to acquire the skill and objectives of teaching English are defeated as अब learners गोटे English teaching रो objectives को gain करी पारु ना हुई skill तक को gain करी पारु ना हुई तो इटा कहारो हारी बाटा बता जीवो कहारो defeat तक हुआ जीवो को जिनिस वाटा failure हो ची बोली कुहा जीवो teaching of macro skills is not properly planned as per sequence classroom are thickly populated ले किछु हमन असुविधा नहीं the parents are not educated no problem mother tongue is largely used no problem problem is here teaching of macro skills is not properly planned as per sequentially macro skill ta ku kon utilize kara jau nahi properly planned hi par nahi use hi par nahi sei pai english teaching ro objectives ta failure hobo option a is the right option Next question. Teacher eligibility test TET across the country is being conducted for successful implementation of. So TET exams sabu hue teachers eligibility exams sabu prati state re hue whole country re hue. So ko jinisaro implementation ko success kariya pai hue. Sarva Shiksha Abhiyan no. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यस एडल्ट एजुकेशन नो तो ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन आरसीएफसीई को कंप्लीट करिवा पाई इम्प्लीमेंटेशन को करिवा पाई बहुत गुड़ा टीचर मानकर काउंसिल मानकर आवश्यक हुए से यही तीन सौटा को ध्यान रखिकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करा जाए न्यू कंस्ट्रक्टिव आइडिया थिबा और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थिबा व्यक्ति को ही टीचिंग लाइन को आने पाई यही एग्जाम टीए करा जाए थाए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफन स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन इन क्लासेस क्लास सच स्टूडेंट शुड बी डैश किसी पिला क्लास रे क्वेश्चन पचारती टीचर को से पिला मान को को प्रकार बिहेव करवा उचित टीचर को द्वारा Asked to meet the teacher after the class. जेतो वडे classroom रे पिलाटी question पोचरा उची, ताकु encouragement करेगा दरका, ताकु प्रश्न रो उत्तर clear हवा पर अंतर पूछेगा दरका, ताकु परवर्ती समय रे meet करिया को कहा जीवा classroom परे no. Asked to do the homework, ताकु homework करिया पे कोई दिया no. Asked to participate in class discussion yes. जो पिलाटी doubts पोचरे, ताकु openly एक्सेप्ट करवा दरकार तार डाउट्स टाकु एंड ताकु एक्टिव पार्टिसिपेंट हवा को इनकरेज करवा दरकार ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन आस्क टू सिट डाउन नो ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन द थीम ऑफ प्रोफेसर यशपाल्स रिपोर्ट 1993 वाज प्रोफेसर यशपाल को रिपोर्ट जोड़ा 1993 रे आसी थिला सेटा कहा आधारित तो होगी थिला तार थीम कौन थिला ICT in technical education no teaching without burden yes binna konosi burden re tension re pressure re padhiwa eita hi thila tara mura theme thila learning through radio no learning to be no option b is a right option next question Reading for comprehension and explanation in the 5E model of teaching can be best achieved it if comprehension reading for comprehension bujhiba pai padhiba 5E model re kete bade best achieve hei paribo learners speak words softly while reading no learners read silently yes comprehension pai reading for comprehension always requires silent reading eta just mone rakhitiba darkar option b is a right option alga kichi option ta konosi avashyakata nahi some noise in a language class indicates ab language class re jodi noise ti houchi seta kon indicate kare option a indiscipline of the learner manangra indiscipline achi Teachers' inability to control the classroom, constructive activities with the learners engage in the language activity, incompetence of the teacher.
अब देखो क्लासरूम रे जेते बडे नॉइज हुए तो पिला माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करूथिबा क्लास रे नॉइज हुए जो माने कि क्वेश्चन आंसर सेशन रे हो कि टीचर को सहित मींस आइडिया शेयरिंग आइडिया नोइंग आइडिया आस्किंग ए सब विषय रे हो सेटा हुए तो एटा ऑप्शन सी हबो राइट ऑप्शन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इनसाइड दैट क्लासरूम और विद द लर्नर्स एंगेज इन द लैंग्वेज एक्टिविटी सो दैट क्लास हैविंग ए सम नॉइज ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ऑर्गेनाइज देम ड्राफ्ट एडिट एंड रिवाइज देम अब आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करिवार ड्राफ्ट एडिट करिवार एटा राइटिंग स्किल को ही बुझाए ऑप्शन बी इज ए राइटिंग स्किल जस्ट खाली मन रखिथिबा दरकार ब्रेनस्टॉर्मिंग ड्राफ्टिंग एडिटिंग रिवाइजिंग राइटिंग स्किल एबिलिटी रे ही आसी थाए नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प द टीचर अब डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाए टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द flaws to understand the learner no to know the learner's achievement no to know teaching learning weakness yes flaw ADHD problem ADHD to measure the IQ of the children no option C is the right option so diagnostic test kara jaye teaching learning process re koti weakness achi seta ku find out kariba pai taku check kariba pai next question With a view to making a language learning more effective, the learner should start learning the skill in the following order. Language learning skill को more effective करीबा को हेले को order रे हमको learning करीबा रहोची. L S R W जो उठी थी वो सीटे ही हुआ. Listening, speaking, reading and writing. Option D is a right option. Next question. Students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise them in the work process which reflects. A brainstorm idea, draft, edit, eta thile purbur ame discussion karichu. Option C hobo right option, writing skill. Brainstorming, editing, drafting jetara asi jaye, it is related with the writing skill. Option C is a right option. Next question. In which year the SCERT Odisha prepared the state curriculum framework SCERT Odisha state curriculum framework 2007 re start korithile option D is a right option next question evaluation of learners language skills such as listening speaking reading and writing should be made by a learner manankara basic language skill LSRW ku ame kemiti evaluate kari paripa टर्म एंड इवैल्यूएशन द्वारा नो मंथ एंड इवैल्यूएशन द्वारा नो यूनिट एंड इवैल्यूएशन द्वारा नो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा एटा करा जाई परिबो ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एक्ट 2009 Learning must be child friendly. Option B is a right option through activities in child friendly manner. Option B about the right option. How about?